हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधिज़ डायरी। मैं हूँ निधि और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कमाल का फेस वॉश बताने जा रही हूँ। ये एक DIY फेस वॉश है, आप इसको DIY मेकअप रिमूवर भी कह सकते हैं एंड इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, लड़का है या लड़की है, आप कोई भी आराम से, कितने भी उम्र के हैं आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 100% घर की चीज़ों से बना है, कोई भी केमिकल नहीं है एंड बहुत ही अच्छा बनता है। सिर्फ 2 इंग्रीडियंट्स में बना है एंड आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं सप्ताह भर के लिए एंड बहुत कमाल का वर्क करता है, स्किन को बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वो बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस। तो देखते हैं वीडियो में आगे क्या है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 इंग्रीडियंट लिया है, एक है कच्चा दूध। यहाँ जी हाँ, हमने यहाँ पे कच्चा दूध लिया है, नॉट बॉयल वाला मिल्क नहीं है। एंड चावल का आटा लिया है, चावल का आटा को हमने यहाँ पे बहुत महीन पीसा है। आप घर का कोई भी चावल उठा के उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मिक्सी में चला लीजिए एंड उसको छान लीजिए। अगर आप चाहे तो हल्का दरदरा रख सकते हैं अगर आपको स्क्रबिंग साथ में करनी है तो, अगर नहीं तो आप प्लीज़ उसको फाइन पेस्ट बनाइए ताकि वो अच्छा स्मूथ टेक्सचर आए। एंड उसके बाद हमें करना है कि 1 कप मिल्क में 2 बड़े चम्मच आपको चावल का आटा डालना है एंड उसको अच्छे से मिक्स करना है। सबसे पहले हम 1 कप मिल्क लेंगे एंड उसके बाद हम उसमें चावल का आटा डालेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे छोटी सी चम्मच ली है बट आपको 1-2 बड़े फुल चम्मच चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा और लिया है क्योंकि मेरी चम्मच छोटी है। तो अच्छे से उसको मिक्स करना है, मिक्स करते रहना है ताकि उसमें कोई भी लम्स फॉर्म ना हो एंड बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेक्स्चर आ जाए। एंड उसके बाद आपको स्टोर कर लेना है। इस तरह के खाली कंटेनर में आप स्टोर कीजिए और अपने फ्रिज में डाल के रखिए। एंड मैं आपको दिखाती हूँ ट्रांसफ़र करके इसको डायरेक्टली कैसा। तो यहाँ मैंने ट्रांसफ़र करके आई हूँ मैं इसको एंड स्टोर किया है मैंने फ्रिज में। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप अगर चाहे तो कॉटन में इस तरह से अप्लाई कीजिए या फिर डायरेक्टली हाथ पे, मैं आपको दिखा रही हूँ। जेनरस अमाउंट लीजिए अपने हैंड पे और अच्छे से वॉश कीजिए अपने फेस को एंड उसके बाद आप 2-3 मिनट के बाद अपना चेहरा धो लीजिए ठंडे पानी से। तो आप इस तरह से करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना फ़र्क पड़ता है। मेरा स्किन बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है एंड ग्लो भी कर रहा है। अगर आपको मिनटों में इस तरह की निखार चाहिए या इस तरह का रिज़ल्ट चाहिए तो प्लीज़ मेरे इस DIY को यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा कमाल का वर्क करता है। तो फिलहाल मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड मिलूंगी आपसे एक न्यू वीडियो में, एक न्यू DIY में। तब तक के लिए बाय।